गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप लोगों का एडी परिवार के साथ हमारे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है करंट अफेयर क्लास में, जो आपका डेली मॉर्निंग में 6 बजे आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग विद्यार्थियों आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उसमें जो सोर्सेज मैंने आपको बताया कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो नेशनल न्यूज पेपर है, और अलग अलग आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से इसे क्या किया जाता है, आपका रखा जाता है, ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार क्लास को जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिएगा और एक आदत से बना दीजिए, जैसे जैसे आप लोग क्लास में लाइव आते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जैसे जैसे विद्यार्थी आप लोग लाइव आते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोगों को, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमारे यूपीएसएससी पैट का जो एग्जाम था वो बहुत अच्छा एग्जाम रहा। क्वेश्चंस विद्यार्थियों आपके सामान्य से क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ ही क्वेश्चन करंट अफेयर में भी आपका बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हम लोगों ने रेगुलर क्लासों में पढ़े हुए थे, ठीक है। ज्यादा पुराने भी नहीं थे और ज्यादा नए भी नहीं, यानी कि 2020 के थे लगभग, हमारा जुलाई के बाद के क्वेश्चन उसमें रखे गए थे, है ना। तो चलेगा, हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो देखा गया आपका, टोक्यो 2020 पैरालंपिक में पहला भारतीय पैरा समझे कहना एथलीट कौन बना, यहां पर पूछा गया कि जो भी देखो पैरालंपिक, पहले ओलंपिक होते हैं फिर हमारा पैरालंपिक होता है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ चलेगा, तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा हमारा, तो ये बनेगा हमारा क्या आएगा यहां पर, प्राची यादव, प्राची यादव के लिए, ठीक है ना। प्राची यादव फर्स्ट इंडियन विद्यार्थी यहां पर पैरा कैनोई विद्यार्थी एथलीट एट द टोक्यो 2020 पैरालंपिक। तो देखिए प्राची यादव टोक्यो ओलंपिक में विद्यार्थी हो, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहली भारतीय पैरा कैनो एथलीट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे अगले सवाल पर, यहां पूछा गया विच स्टेट सेलिब्रेटेड द वांचुआ, यहां पर क्या दिया गया, वांचुआ फेस्टिवल 2021 में ये फेस्टिवल कौन सा राज्य हमारा सेलिब्रेट कर रहा है, कौन सा राज्य ये त्योहार आपका सेलिब्रेट कर रहा है, हम लोग कौन से राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर सवाल जो पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, असम, असम राज्य। असम में आपका और कौन सा, बिहू भी मनाया जाता है, नट पूजा भी यहीं पर आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। बिहू भी इसी राज्य में आपका, नट पूजा भी विद्यार्थियों इसी राज्य में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग कौन से राज्य की बात करें, असम, असम की अगर बात किया जाए, जैसे नेशनल पार्क में अक्सर बताता हूं आप लोगों को कि यहाँ पर नेशनल पार्क कौन सा है। एक आप लोगों ने कल का एग्जाम में सवाल देखा होगा शिफ्ट वन में कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, है ना। और लगभग हम लोग हर दूसरे तीसरे क्लास में, तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी नेपाल का नाम आता है किस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिएगा बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान इसलिए लग रहा था क्योंकि आप उसको पढ़ के गए थे, समझो, आप लोग गलती कर ही नहीं सकते थे क्योंकि आप लोगों ने वो सारे सवाल कुछ ही दिनों में, विद्यार्थियों 8 बजे वाली जो हमारी क्लास होती है रात में, या रात में 9 बजे जो हमारी क्लास होती थी, वहां से लगभग लगभग हमारे सारे सवाल उन्हीं क्लासों में से पूछे गए थे, है ना। तो देखिएगा अब पेपर है, आप लोग पेपर शेयर कर दीजिएगा आपस में, जिन्होंने पेपर नहीं भी दिया तो वो भी तो देख सकते हैं कि पेपर सवाल कैसे आए थे नॉन टेक्निकल के, ठीक है ना। चलेगा, यहां सवाल पूछा गया टोक्यो पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, यहां क्या पूछा गया विद्यार्थियों, हु वाज द फ्लैग बेयरर टू टोक्यो विद्यार्थियों पैरा ओलंपिक, ये ओलंपिक की बात नहीं कर रहे हैं, पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो टोक्यो पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, किसी भी विद्यार्थी अगर ओलंपिक की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है, पहला सवाल कि ध्वजवाहक कौन होता है। किसी भी एग्जाम को आप उठाएगा वहां पर जरूर पूछा होगा आपका कि सैक गेम में, या आपका कॉमनवेल्थ में, या पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन है, ठीक है। तो यहां पर किसका नाम आएगा आपका, तेग चंद विद्यार्थी, इनका नाम क्या है, तेग चंद। टोक्यो पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में जो भारत के ध्वजवाहक कौन थे विद्यार्थियों, तो तेग चंद, ठीक है ना, इनका नाम क्या विद्यार्थियों, तेग चंद। जेवलिन थ्रो में विद्यार्थियों तेग चंद को टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक के रूप में विद्यार्थियों नामित किया गया। मयप्पन आप लोग जानते हो, मयप्पन का नाम आपने सुना था ना, मयप्पन विद्यार्थियों थंगा वैली जो टोक्यो के लिए अपनी उड़ान कोविड सकारात्मक व्यक्ति करीब विद्यार्थी संपर्क के रूप में पहचाना गया था, जिस वजह से वो आपका 24 अगस्त 2021 को शुरू, ठीक है ना, तो वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। ध्यान दीजिएगा, आप मयप्पन का नाम जानते हो, मयप्पन को लास्ट टाइम पर 2020 में
किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? बिल्कुल, ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? तो मैपन को भी दिया गया था ना, तो उसमें मैपन भी थे पैरा ओलंपियन। ठीक है, आगे सवाल पूछा गया एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। एनटीपीसी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज विद्यार्थी लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट इट्स सिमाद्री थर्मल स्टेशन इन विच स्टेट। एनटीपीसी ने किस राज्य में अपने सिमाद्री थर्मल स्टेशन पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी विद्यार्थियों परियोजना शुरू की है? सिमाद्री आप लोग जानते हो विशाखापट्टनम में, सिमाद्री विशाखापट्टनम के अंदर है, और विशाखापट्टनम यानी हमारा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाता है, आंध्र प्रदेश में। और अन्य क्या क्या चीजें आपको जो एग्जाम में, देखो मैंने हर बार कहा ना कि आपको इस स्टेट से यह सवाल पूछ सकता है, इस राज्य से विद्यार्थी आपको यह सवाल पूछ सकते हैं। तो जैसे आंध्र प्रदेश से पहला सवाल तो यही पूछता है कि वहां पर भी देखेगा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के बारे में सभी ने सुना है ना। देखिए विद्यार्थियों, कृष्णा नदी पर प्रसिद्ध आपका एक डैम दिखता है यहां पर, ये कौन सी नदी है हमारी? कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर प्रसिद्ध बांध कौन सा दिखता है आपको आंध्र प्रदेश में? नागार्जुन, नागार्जुन जिसे आप लोग श्रीशैलम कहते हैं ना, श्रीशैलम विद्यार्थियों डैम आपको कृष्णा नदी पर कहां पर दिखेगा? आंध्र प्रदेश में दिखेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही तुंगभद्रा कृष्णा में मिल रही, आंध्र प्रदेश में ही विद्यार्थियों मुशी नदी आपका किस में मिल रही है? कृष्णा में मिल रही है। यानी कि ये कौन सी? तो तुंगभद्रा हो गए विद्यार्थियों और ये मुशी नदी हो गई। इधर से कर्नाटक में कौन सी नदी मिलती है इसमें? भीमा नदी। ठीक है, और कर्नाटक में ही विद्यार्थियों जो कृष्णा नदी है इस पर प्रसिद्ध आपको एक डैम दिखता है, वो कौन सा? अलमाटी, अलमाटी बांध आपको कृष्णा नदी पर कहां पर दिखेगा? कर्नाटक के अंदर दिखेगा। तो इस तरह से भी आप लोग डैम को याद करने का, देखो वो नहीं आप किताब पकड़ी और रट दिया, माता टीला बांध इस नदी पर, भागीरथी पर विद्यार्थी आपका टिहरी बांध। ठीक है, ये नहीं करना। देखो हम लोग बगलियार परियोजना कितनी बार पढ़ते थे हमने, समझो विद्यार्थियों सलाल परियोजना पढ़ी हमने, हमने लोहेरी विद्यार्थियों परियोजना पढ़ी, और वो सभी के सभी आपको एग्जाम में देखने को मिल रही थी। अब कौन से शिफ्ट में आई देखेगा, मुझे तो कल के पेपरों में दिखा इन तीन प्रोजेक्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट, और जो हम लोग पढ़ते थे वहां पर नदी पूछी गई थी, तो आपने अच्छे से किया होगा। चलिए उसके बाद आंध्र प्रदेश में आप लोगों को विद्यार्थियों क्या क्या देखने को मिल जाएगा, जैसे राजमुंद्री के अंदर, राजमुंद्री आप जानते हो ना, नेशनल टेम्बैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री में, राष्ट्रीय विद्यार्थी आपका तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। आए समझ में? चलेगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे। पैरा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला विद्यार्थी पावर लिफ्टर कौन होगी? हु विल बी विद्यार्थी फर्स्ट फीमेल पावर लिफ्टर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट पैरा ओलंपिक्स? ठीक है ना, पैरा ओलंपिक्स। तो आप देखिए भारत धीरे धीरे स्पोर्ट्स सेक्टर में विद्यार्थियों एक बार दोबारा से, आपने देखा होगा विद्यार्थियों चाहे ओलंपिक का है, ओलंपिक में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, अच्छा रिजल्ट भी रहा इस बार, तो पैरा ओलंपिक में विद्यार्थियों प्रतिनिधित्व करने वाली, तो फर्स्ट देखिएगा सकीना खातून पैरा ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला पावर लिफ्टर कौन होगी? हु विल बी द फर्स्ट फीमेल पावर लिफ्टर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द पैरा ओलंपिक? ठीक है ना, तो पैरा ओलंपिक में विद्यार्थियों सकीना खातून, सकीना खातून देखिए, सकीना खातून विल बिकम द फर्स्ट फीमेल पावर लिफ्टर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द पैरा ओलंपिक। नेक्स्ट चलेंगे, यहां सवाल पूछा गया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मणिपुर? मणिपुर के गवर्नर के रूप में किन व्यक्ति को नियुक्त किया गया? मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बंडारू दत्तात्रेय, गणेशन की बात की गई यहां पर, रमेश बैस की बात की गई, सत्यदेव नारायण विद्यार्थी आ रहे, तो यहां पर देखिएगा कौन किया गया विद्यार्थियों? ला गणेशन, गणेशन को विद्यार्थियों, गणेशन को वहां पर, कहां पर? हमारा मणिपुर के अंदर। देखिएगा तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता ला गणेशन को विद्यार्थियों 23 अगस्त 2021 को मणिपुर का नया राज्यपाल, मणिपुर में कौन था इससे पहले? नजमा हेमतुला। ठीक है ना, मणिपुर में कौन था विद्यार्थी से पहले? नजमा हेमतुला। अब किसे चुना गया आपका? तो बिल्कुल ला गणेशन को चुना गया। ठीक है, यहां से हमारे लिए
जो सवाल बन सकते हैं, देखिए मणिपुर स्टेट आया तो मणिपुर के बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं, जानने के लिए तैयार है ना आप लोग। देखिए मणिपुर स्टेट कुछ इस तरह से आपको मैप के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। पहले बताया था मैंने आप लोगों को मणिपुर विद्यार्थियों हमें इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, मणिपुर की देखिए, अब जैसे कल हमने नेपाल के साथ सीमा देखी कि नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य लगे हुए, उसी तरह से हमें पूछ लेता है कि म्यांमार के साथ कितने राज्य लगे हुए, तो 4 राज्य, उन 4 राज्यों में एक कौन सा आता आपका, तो ये है मणिपुर। ये क्या विद्यार्थी आपका, मणिपुर। मणिपुर की जो कैपिटल आएगी आपका क्या आएगी, इम्फाल। इसकी कैपिटल क्या विद्यार्थी, इम्फाल। ठीक है, उसके बाद यहां से सवाल जो बनेगा हमारा क्या बनेगा कि आउटर लाइन किससे लगी है, तो ये विद्यार्थी हमारा किससे लगा हुआ है, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, किसके साथ, म्यांमार से लगा हुआ। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी हमारा इधर से किससे लगा होगा, नागालैंड से। इधर से किससे विद्यार्थी, असम से। और ये वाला पोर्शन किससे आपका, मिजोरम से, समझ लो। तो भारत के 3 राज्यों के साथ क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है, जबकि एक कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा, किसके साथ, म्यांमार के साथ। ठीक है, जो मेजर क्वेश्चन जो आपको अपने जीवन में, जब तक आप एक प्रतियोगी स्टूडेंट हो तो ये सवाल नहीं भूलना है मणिपुर से। कौन सा वाला, यहां पर आपको प्रसिद्ध एक लेख दिखने को मिलती है जिसे कहते हैं आपका लोकटक लेख। इसे क्या कहते हैं विद्यार्थी आपका, लोकटक लेख आपको देखने को मिलेगी कहां पर, लोकटक झील, तो ये मणिपुर के अंदर है। और उसके बाद आपको यहीं पर प्रसिद्ध लोकटक लेख से जुड़ा हुआ आपका एक क्या दिखता है, नेशनल पार्क, जिसे क्या कहते हैं, केबुल लामजाओ। केबुल विद्यार्थियों, लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क क्यों कहता हूं मैं कि ये विश्व और भारत का या एशिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अब तैरता थोड़ी ना ये दिखता है विद्यार्थियों आपका, क्योंकि ये जो आपका लोकटक लेक का पानी है ना, ये इसमें फैला हुआ है। तो इसकी सैटेलाइट इमेज अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि पानी में डूबा हुआ, तैरता हुआ लगता है केबुल लामजाओ। देखिए देखो, जो मणिपुर है आपका, ये पहाड़ी स्टेट है, ध्यान दीजिए पहाड़ी स्टेट है विद्यार्थियों, ये प्लेन वाला नहीं है, पहाड़ी स्टेटों में आता। ठीक है, तो देखिए आपका ये कहां पर आएगा, केबुल लामजाओ, कहां पर, मणिपुर के अंदर। मणिपुर में एक इंपॉर्टेंट आपका क्या आता है, त्योहार आता है विद्यार्थियों, कौन सा, संगाई। संगाई एक वैरायटी है किसकी, हिरन की एक प्रजाति है संगाई, वहां का स्टेट एनिमल भी है। और संगाई आपका फेस्टिवल भी मनाया जाता है कहां पर, मणिपुर के अंदर। तो ये स्टेट लेवल के या हमारे नेशनल लेवल के कई सारे एग्जाम में ये सवाल हमने देखे, मणिपुर से इतने क्वेश्चन तो कम से कम याद रखिएगा मणिपुर से विद्यार्थियों, ये 3 क्वेश्चन जब तक एक प्रतियोगी प्रतीक्षार्थी हो जरूर याद रखिएगा, और मैं समय समय पर आपको रिविजन भी कराता रहता हूं उसके, ठीक है ना। तो चले आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आरबीआई के द्वारा नियुक्त पैनल का अध्यक्ष कौन है, जिसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द पैनल अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच हैज सजेस्टेड 4-tier स्ट्रक्चर विद्यार्थियों फॉर द अर्बन कोऑपरेटिंग बैंक। देखिए अब यहां पर शहरी बैंकों के विलय के लिए, मर्ज के लिए, हो सकता है बाद में इसकी रिपोर्ट के हिसाब से जो उसके विद्यार्थियों पेरेंट, समझ, जो भी उसके विद्यार्थियों पेरेंट आपका बैंक होंगे उनमें मर्ज करना, ये हो सकता है विद्यार्थी बाद में, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, तो देखिएगा किसे बनाया गया, तो ये एनएस विश्वनाथन को बनाया गया। आपसे पूछा जाता है कि 2021 में एनएस विश्वनाथन कमेटी, समझो एनएस विश्वनाथन कमेटी किससे संबंधित थी, तो ये विद्यार्थी आपका कोऑपरेटिंग बैंकों में सुधार के लिए, समझो एक पैनल जो गठित किया गया, समझो एक कमेटी जो बनाई गई थी, क्योंकि उस पैनल के अध्यक्ष कौन है, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, एनएस स्वामी विश्वनाथन। तो एमएस विश्वनाथन जो कमेटी होगी आपका, वो किससे, कोऑपरेटिंग अर्बन कोऑपरेटिंग बैंक में सुधार के लिए बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो एनएस विश्वनाथन कमेटी, पूछूंगा आगे, समझो, चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा आपका क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में क्या जीता है, रजत पदक यानी कि आपका सिल्वर। यहां पर से विद्यार्थियों क्या पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग वन द सिल्वर मेडल इन लॉन्ग जंप इन द वर्ल्ड एथलेट अंडर 20 चैंपियनशिप 2021, ठीक है ना। तो ये जीता विद्यार्थी आपका किसने,
सैली सिंह विद्यार्थी, कल बताया भी था मैंने आपको सैली सिंह हमसे पूछा जाता है कौन से खेल से संबंधित है, तो सैली सिंह विद्यार्थी आपका एक क्या है लॉन्ग जंप से एथलीट है विद्यार्थियों, और एथलीट में भी कौन से इसमें आएगा आपका लॉन्ग जंप में, ठीक है ना। देखिएगा जो विश्व एथलीट विद्यार्थियों चैंपियनशिप का समय 24 अगस्त को विद्यार्थियों 24 अगस्त कल ही तो थी आपका अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं के लिए लंबी कूद में विद्यार्थियों सैली सिंह ने कितना तो यहां पर रजत पदक जीता, उन्होंने सिल्वर मेडल उन्हें प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, मिशन विद्यार्थियों डोमिनेशन, द बुक टाइटल मिशन डोमिनेशन, ठीक है ना, यहां पूछा गया विद्यार्थी आपका मिशन डोमिनेशन एन विद्यार्थी पर क्या दिया गया, ठीक है ना, एन अनफिनिश्ड क्विस्ट इज द कोऑथर्ड बाय विद्यार्थियों बोरिया आपका मजूमदार एंड होम विद्यार्थी, इसके साथ साथ कौन है दो लोग थे विद्यार्थियों कृष्णा सरकार सॉरी कुणाल विद्यार्थी कुशान सरकार सरकार, ठीक है ना, कुशान सरकार के द्वारा लिखी गई है, दो लोगों के द्वारा लिखी गई मिशन विद्यार्थियों डोमिनेशन इसका क्या है टाइटल है, मिशन डोमिनेशन इसका टाइटल दिया गया, ठीक है। देखिए भारत सरकार विद्यार्थियों अभी एक योजना के तहत अलग अलग सेक्टर में आपका चाहे वो रेलवे हो चाहे विद्यार्थियों आपका नेशनल हाईवे हो चाहे विद्यार्थियों आपका जो जो बिल्डिंग होती विद्यार्थियों से प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनके तहत उनका क्या होगा रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, भारत सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई कि देखिए जो भी रेलवे चाहे वो रेलवे के जो पुराने विद्यार्थियों बिल्डिंग हो चाहे वो नेशनल हाईवे हो तो कुछ एसिस्ट भारत सरकार इस समय पर प्राइवेट विद्यार्थी जो कंपनियां उसमें, क्योंकि देखो अगर मार्केट में विद्यार्थियों सिर्फ और सिर्फ एक ही है ना एक व्यक्ति, जहां विद्यार्थियों मैं कहता हूं कि फिक्स हो गया कि आपको अगर सरकारी नौकरी मिल गई आपको पता है कि काम में चाहे कोई टारगेट दूं ना दूं रिजल्ट दूं ना दूं मेरी सैलरी तो आनी है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखते हो परिवहन डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा, मुझे और राज्यों का तो नहीं पता लेकिन मुझे किसी एक स्टेट का बिल्कुल ध्यान है कि आपने अक्सर देखा होगा विद्यार्थियों बसों में चाहे कोई बैठे ना बैठे हम आपको बुलाएंगे नहीं आपको बिठाए आपको बिठाएंगे, और आज की स्थिति यह विद्यार्थियों राज्य के अंदर उस डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी है जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी पिछले 3-4 महीने से अटकी पड़ी है, क्योंकि देखो अब कब तक ये कब तक चलता रहे ऐसा कब तक चलता रहेगा, आप जिस जगह पर काम कर रहे हो वहां पर काम बिल्कुल जीरो, और उसके बाद हर समय पर आप लोगों ने देखो सड़कों पर उतर जाते हैं कि 6 महीने बाद ये अनाउंस बढ़ा दीजिएगा दूसरा अनाउंस बढ़ा दीजिएगा, तो देखो ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाता है क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है कि जब विद्यार्थी सर से ऊपर चले जाता ना पानी, अब देखो अगर आपके किसी कार्यालय में काम ही नहीं हो पा रहा है जहां विद्यार्थी आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर में उस काम को शायद एक एम्प्लॉय करता है और वहां 10 लोग लगे हुए तब भी वो काम नहीं हो पाता है कंप्लीट, भीड़ पे भीड़ बड़ी पड़ी है, तो कुछ तो उसमें बदलाव करना पड़ेगा समझो स्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़ेगा, और डेवलपमेंट के लिए ये सब जरूरी भी है अपना मानना, तो ये विद्यार्थियों देखिएगा अगर टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में अगर अपने विद्यार्थियों और देखो आपकी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके विद्यार्थी जो जॉब निकल रही है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे विद्यार्थी वैसे रहेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, बस सिर्फ ये आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा समझो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जैसे कि 1813 में आप जानते हो विद्यार्थियों इसका सबसे बड़ा एग्जांपल 1813 में, ठीक है 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर व्यापार कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी विद्यार्थियों भारत के अंदर व्यापार कर रही थी और अकेला मोनोपोली आपने देखा होगा अकेला यानी कि एकाधिकार था, चाहे वो विद्यार्थी कोई भी प्रोडक्शन हो चाहे उत्पाद में हो विद्यार्थियों चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे विद्यार्थियों टेक्सटाइल में हो सब जगह क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी था, जबकि देखिएगा अब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी किसके अधीन थी तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन थी, ब्रिटिश लोगों के ब्रिटिश शासन के अधीन था, सारे अंग्रेज थे उस ब्रिटिश लोग थे उसमें, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने सॉरी ब्रिटिश सरकार ने विद्यार्थी जो एक्ट लाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य यूरोपियन कंपनी को भी भारत में व्यापार की क्या दे दी परमिशन दे दी, यानी कि आप करिएगा कोई बात नहीं आप भी व्यापार करिए आपके तो हम लोग आपकी मार्केट में तो हम कुछ भी नहीं कर छेड़छाड़ कर रहे हैं, आपका मार्केट जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिएगा,
उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे कि देखो वहां पर हम लोग कंपटीटर बढ़ा देते हैं, यानी कि उसी प्रोडक्ट को दूसरी यूरोपियन कंपनी भी, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी बढ़ेगी विद्यार्थियों, एक कंपटीशन यानी कि काम करने की जो एफिशिएंसी है वो क्षमता बढ़ेगी, और वो जरूरी भी, अगर डेवलपमेंट के लिए देखो हम लोग एक ही पहलू को अगर देखें समझो तो वो जरूरी भी है, कंपटीटर अगर बढ़ेगा तभी तो ये भी तो कुछ बदलाव करेगा, नहीं तो इसको पता है कि मैं रद्दी से रद्दी अगर मार्केट में निकालूं तो भी जाना इसी ने, क्योंकि कोई दूसरा कंपटीटर है ही नहीं। तो जब कंपटीटर बढ़ेंगे तब जाके विद्यार्थियों क्या होगा, तो ये चीज होना भी जरूरी है। ठीक है चलेगा, अब देखिए इस पहलू से अगर आप समझे तो ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही पहलू को देखते हैं, नहीं हमारी जो जॉब है उस पर प्रभाव पड़ेगा, आपकी जॉब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको एक पोस्ट चाहिए उसके लिए आप मेहनत करके निकल जाओगे, ठीक है ना चलेगा। अब मिस अगर देखिएगा आप लोगों को जो ये मैसेज सर्कुलेट होते हैं ना उससे बहुत मिसगाइड होते हैं, आप लोग स्वयं परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, पोस्टों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। चलेगा, डेली क्वेश्चन चैलेंज में विद्यार्थी हमारे 20 सवाल रखे गए संजीवनी सीरीज में, और जनरली हम लोग रखते हैं क्योंकि अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो देखिए पहला सवाल आपके सामने दिया गया, अभी असम का नाम हमने सुना, तो असम के वर्तमान समय पर मुख्यमंत्री कौन है, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है तो देखिए विद्यार्थी यहां पर राइट आंसर क्या आएगा आपका, हिम्मत विश्वा शर्मा, सर्वानंद सोनवाल के बाद कौन बने यहां पर, हिम्मत विश्वा शर्मा, ठीक है ना, वर्तमान समय पर आपके, तो याद रखिए विद्यार्थी क्या है, हिम्मत विश्वा शर्मा असम के नए सीएम बने सर्वानंद सोनवाल के बाद। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेफ्ताली बेनेट, नेफ्ताली विद्यार्थियों बेनेट हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इस कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसे नेसेट, इसकी करेंसी है विद्यार्थियों न्यू शेकेल, और यहां की जो गुप्तचर संस्था है इंटेलिजेंस ब्यूरो विद्यार्थियों से क्या कहते हैं आपका, बिल्कुल सही कहा विद्यार्थी आप लोगों ने, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसराइल, इसराइल की मोसाद, इसराइल के विद्यार्थियों क्या है, मोसाद, यहां की इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसे हमारे पास रॉ है, आईबी है, ठीक है ना, तो उसी तरह से यहां पर क्या विद्यार्थियों, मोसाद। नेक्स्ट चलेंगे अगला सवाल, निर्मल मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े थे। ठीक है निर्मल विद्यार्थियों, मिल्खा सिंह जिनका विद्यार्थियों रिसेंटली पास्ट अवे, सी वॉज द एसोसिएटेड विद विच विच स्पोर्ट्स, इनमें से कौन सा आएगा, मुझे तो जहां तक लगता है वॉलीबॉल, नेशनल प्लेयर थे विद्यार्थी, वॉलीबॉल में नेशनल प्लेयर थे और कैप्टन भी रह चुकी थी विद्यार्थियों, किसमें, नेशनल वॉलीबॉल जो टीम थी भारतीय उसमें कैप्टन भी रह चुकी थी, ठीक है ना, किसमें, तो निर्मल मिल्खा सिंह की मैं बात कर रहा हूं, मिल्खा सिंह जी की पत्नी थी विद्यार्थियों, जिनका उनकी मृत्यु से 2 दिन पहले इनकी मृत्यु हुई थी, बाद में मिल्खा सिंह जी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट चलेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा, और कल पूछा गया था कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सी कंट्री है ना, कल सबसे क्या पूछा गया था, तो हमने बताया था ना कि आइसलैंड सबसे ऊपर था, टॉप रैंक पर है आइसलैंड, ठीक है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे टॉप पर कौन है, तो ध्यान दीजिए यहां पर अपने इंडिया की रैंक कौन सी है। अब दोनों में से क्या पूछा था, मैंने भी पेपर रात में आया था मेरे पास पेपर, तो देख नहीं पाया मैं, अच्छे से देखूंगा क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे उसमें। अगला सवाल पूछा गया कि वर्ल्ड नो टैम्बैको डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड नो टैम्बैको डे जो हम लोग प्रत्येक वर्ष 1989 से लोगों को विद्यार्थी इससे होने वाले नुकसान से अवेयर करवाते हैं, समझो 1989 से, और ये किसके द्वारा, WHO के द्वारा घोषित किया गया, WHO ने निर्धारित करा आपका कि 1989 से 31 मई को किस रूप में मनाया जाएगा, वर्ल्ड नो टेम्बैको डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है भारत में तंबाकू को इंट्रोड्यूस करने वाला जो यूरोपियन थे विद्यार्थियों कौन थे, पुर्तगाली, समझो भारत का पहला टेम्बैको फ्री स्टेट कौन सा है, तो नागालैंड। ई सिगरेट की ऑनलाइन विद्यार्थियों बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, राजस्थान सबसे पहले, बाद में किसी ने भी लगाया होगा लेकिन राजस्थान ने पहले इस पहल को शुरू किया ऑनलाइन सिगरेट की बिक्री पर, ई कॉमर्स जो है आपका। ठीक है बाकी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि राजमुंद्री नेशनल टेम्बैको रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय विद्यार्थी तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक
ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के अंदर आपका। आगे देखिएगा, सवाल पूछा गया हु इज द ऑथर बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। स्टार गेजिंग विद्यार्थी, द प्लेयर इज माई लाइफ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक जो लिखी गई आपका रवि शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई है। समझो किसके द्वारा लिखी गई है? रवि शास्त्री जी के द्वारा। अच्छा आप लोग देखिए, कल पेपर था, आज नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम हो गए, और कल के पेपर में अगर हम लोग क्वेश्चन देखे तो हम लोगों ने, समझो विद्यार्थियों, हम लोगों ने जो रात के 8 बजे और 9 बजे वाली जो क्लास देखी थी, लगभग वहां के क्वेश्चन डिक्टो आपके पेपर में छपे हुए थे, और मुझे कौन से पता था ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखो इस तरह के सवाल एग्जामिनर पूछ रहे हैं काफी समय से, विद्यार्थियों सवाल बन रहे, क्या सवाल पूछा जा सकता है, तो अक्सर वो सवाल ही क्यों हमें एग्जाम में दिखते हैं, क्योंकि देखो जीएस तो अपने आप में समंदर है। तो ये शरीफ सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों की एग्जाम को एनालिसिस करके जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में आपको बनाता हूं, ठीक है ना। तो देखिएगा अगला सवाल, देखिए डब्ल्यूएचओ ने भारत के सबसे पहले पाए गए COVID-19 वेरियंट को क्या नाम दिया? वेज बीन गिवेन वॉज द नेम COVID-19 वेरियंट फर्स्ट फाउंड इन इंडिया, भारत में पाया गया पहला COVID-19 वेरिएंट का क्या नाम है? एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, क्लास को विद्यार्थियों सभी विद्यार्थी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्लास में जुड़े, जिससे कि विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्लास में जुड़े, एक बार शेयर कर दीजिएगा, बहुत कम विद्यार्थी क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। चले विद्यार्थी, ठीक है ना, चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या था विद्यार्थी आपका? तो इसका राइट आंसर था आपका विद्यार्थी, यहां पर क्या आएगा? सी आएगा, कैपोर विद्यार्थियों डेल्टा, ठीक है ना। ये जो COVID-19 वेरिएंट था भारत के अंदर, तो इसको नाम दिया गया विद्यार्थियों डब्ल्यूएचओ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसने असम राइफल के 21 में महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? वो अमंग द फॉलोइंग टेकन द चार्ज 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल। तो 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल तो कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप विद्यार्थी चंद्रन नायर क्या बने आपके? तो असम राइफल के पहले, सॉरी 21st महानिदेशक के रूप में। असम राइफल स्टैब्लिश होती है आपका 1835 में, जो भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जो भारत की विद्यार्थियों सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? और ये आप लोग विद्यार्थियों से बिल्कुल भी समझो परहेज नहीं कर सकते कि सवाल क्यों पूछा गया, क्योंकि आप जानते हो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी अभी चुने गए, बदले विद्यार्थियों, ठीक है ना। पहले HL दत्तू थे, उनके स्थान पर कौन आ गए? अनुप कुमार मिश्रा करके आ गए ना वर्तमान समय पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? 1993 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी रिटायरमेंट आयु 3 या 70 वर्ष जो भी पहले हो, देखिएगा 3 या 70 वर्ष जो भी पहले हो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं इनकी रिटायरमेंट आयु 3 या 70 वर्ष जो भी पहले हो। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला? अभी इसी वजह से यह सवाल आपसे पूछा गया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बने वो अरुण कुमार मिश्रा। ये ध्यान दीजिएगा, 2019 में अमेंडमेंट होता है, इससे पहले विद्यार्थियों 5-70 था, अब कितना कर दिया? 3-70। और जो ये अध्यक्ष होते विद्यार्थियों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं,
370 मैंने आपको क्या कहा, 3 वर्ष, या 3 वर्ष पहले हो या उनकी आयु 70 वर्ष, जो भी पहले हो, ये उनकी रिटायरमेंट आयु है, ठीक है ना। तो चलेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आगे देखिएगा, केनिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केनिया, केनिया की राजधानी, क्योंकि यहां पर यूनेप का मुख्यालय, तो यूनेप का मुख्यालय कहां पर आपका, नैरोबी, समझो, यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है, नैरोबी के अंदर, और केनिया की राजधानी नैरोबी आएगी आपकी, ठीक है, चलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में, 5 जून 1972 को, इसलिए 5 जून को आप लोग क्या मनाते हो, एनवायरमेंट डे मनाते हो, कब से, 1974 से। यह विद्यार्थी 1974 में निर्धारित किया गया आपका कि पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष 5 जून को। अगला सवाल देखिएगा, उस भारतीय गणितज्ञ का नाम बताएं जिसने माइकल और सिलाहेल पुरस्कार 2021 संयुक्त रूप से जीता, तो ये कौन है, निखिल श्रीवास्तव, निखिल श्रीवास्तव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये गणितज्ञ विद्यार्थी, एक मैथमेटिशियन है, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में दुनिया के कुष्ठ रोग के नए मामलों की संख्या सबसे अधिक आ रही, तो देखिएगा ये रिपोर्ट जारी की गई थी आपका कब, 30 जनवरी को, 30 जनवरी 2021 की ये रिपोर्ट है, क्योंकि 30 जनवरी को विद्यार्थियों क्या मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी दिन विद्यार्थियों कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना, 30 जनवरी को। चलेगा आगे देखिएगा, किस देश की सेना ने तख्ता पलट किया और एक वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति को घोषित कर दिया, ऐसी अस्थिरता विद्यार्थियों विश्व बिरादरी में पहले आपको म्यांमार में देखने को मिला, उससे पहले विद्यार्थियों लेबनान बैरूत में आपको देखने को मिला, सबसे पहले विद्यार्थियों लेबनान के अंदर यही कंडीशन हुई, फिर विद्यार्थी अपना म्यांमार के अंदर आंग सू की पार्टी विद्यार्थी वहां पर को हटाकर उन्हें कैद कर दिया गया, वहां की सेना ने वहां पर क्या कर दिया विद्यार्थियों, शासन कर दिया, लेकिन वहां पर कोई कट्टरपंथी सरकार तो नहीं है, समझो, लेकिन अफगानिस्तान में विद्यार्थी आपका एक विशेष ग्रुप है, समझो विद्यार्थियों। चलिए अफगानिस्तान की बात करें हम लोग, नेक्स्ट बढ़ेंगे, फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालक अधिकारी के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ कंप्लेंस ऑफिसर ऑफ विद्यार्थियों फेसबुक, तो कौन आएगा, हेनरी मोनिस, हेनरी मोनिस को चुना गया, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो एग्जाम होगा यूपी पीसीएल जे का एग्जाम हमें देखने को मिलेगा, आ रहा समझ में, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया, नेम द इंडियन अमेरिकन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नासा, समझो, चीफ ऑफ स्टाफ विद्यार्थियों नासा, नासा अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, भव्यलाल, नासा विद्यार्थियों अमेरिकन गवर्नमेंट जो सरकार के अधीन एक स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि स्पेस एक्स एलन मस्क वाली विद्यार्थियों स्पेस एक्स प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी वहां पर, ठीक है ना। चले नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 जीता, तो इसने विद्यार्थियों किसने, तमिलनाडु ने जीता, और इसने जो रनर अप थी वो कौन थी, रनर अप बड़ौदा, ठीक है ना, क्रिकेट टीम हैज वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 तमिलनाडु, और जो यहां पर रनर अप था वो कौन था, तो बड़ौदा। किस देश ने विद्यार्थियों पुरुषों के विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता, तो ये जीता था किसने, बिल्कुल सही विद्यार्थी आपका डेनमार्क ने। डेनमार्क के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो और कुछ चीजें मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा, डेनमार्क से जुड़े हुए अक्षर भी बताता भी हो विद्यार्थी आप लोगों को। आपने नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आप घूमे हो, बिल्कुल घूमे सर, तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कुछ मैप के अकॉर्डिंग इस तरह से आपको देखने को मिलता है ना, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, मिलता है ना, नहीं मिलता है तो देखना पड़ेगा आपको, मैप देखिएगा कुछ इस तरह से विद्यार्थी आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इस उत्तरी अमेरिका में आप लोगों को विद्यार्थियों
मैंने वैसे बहुत अच्छे से चीजें समझा रखी आप लोगों को। जो कंट्री दिखेगी आपको तो ये देखिएगा, ये पार्ट है जो आपका अलास्का वाला पार्ट है। ये कौन सा विद्यार्थी हो? अलास्का। अलास्का यानी कि ये यूएसए का पार्ट है, यूएसए ये वाला पोर्शन का। ये पोर्शन विद्यार्थी कौन सा आपका? ये अमेरिका है। अभी वर्तमान समय पर जो बिडेन अफगानी नीतियों की वजह से विद्यार्थी अभी विश्व भर में उनकी भी लोकप्रियता इसमें कम हुई है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये पार्ट है अमेरिका का, ठीक है, ये अमेरिका है। और ये आपको जो दिख रहा है ना, ये विद्यार्थियों कनाडा, ये गया कनाडा, ठीक है। और ये कौन सा है? तो यूएसए। नीचे की ओर आओगे तो आपको मैक्सिको दिख जाएगा। तो नॉर्थ अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका, कनाडा और यूएसए के बीच में वर्ल्ड की सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री है, जिसे किस नाम से जानते हैं आप लोग? तो इसी को विद्यार्थी आप लोग किस नाम से जानते हो? 49 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है ना, 49 डिग्री विद्यार्थियों समांतर रेखा के नाम से आप लोग इसे जानते हैं, यानी कि वर्ल्ड की सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को याद होगा विद्यार्थियों, मैंने यहां पर क्यों लेके जा रहा हूं, मैं बाकी चीजें नहीं बताऊंगा। नॉर्थ अमेरिका बहुत अच्छे से पढ़ा रखा आपको, ठीक है। आप अगर विद्यार्थियों अगर देखते हो तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थियों आइलैंड अगर मैप में देखोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, मैंने नदी द्वीप नहीं कहा, विश्व का विद्यार्थियों सबसे बड़ा द्वीप इस तरह से आपको मैप में दिखेगा ना, देख रहे होंगे आप लोग, अगर मैप आपके पास होगा तो इस तरह से आपको दिख जाता है। और इसे कहते हैं क्या नाम कहा गया विद्यार्थी से? डेनमार्क। ये डेनमार्क नहीं है, यह है विद्यार्थी हमारा क्या? ग्रीनलैंड। ये कैसा विद्यार्थी? चलो इसे ग्रीन ही बना देते हैं, ठीक है ना। तो यह विद्यार्थी हमारा क्या? ग्रीनलैंड। इसे क्या कहेंगे? ग्रीनलैंड। अब मैं ग्रीनलैंड के बारे में क्यों बता रहा हूं आपको? ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर किसका विद्यार्थी हमारा? तो डेनमार्क का अधिकार है, ऑफिशियली रूप से विद्यार्थी इस पर किसका? डेनमार्क का अधिकार है, इस वजह से पूछा जाता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हमें दिख रहा है, और अधिकार किसका है? डेनमार्क का। इसके बीच में स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जो दो लैंड मास को अलग करता है और पानी वाले हिस्से को आपस में जोड़ रहे, तो वही स्ट्रेट, उसी को जल रूडम, उसी को जल संधि, उसी को आप चैनल इस नाम से जानते हैं, एग्जामिनर इस नाम से पूछता है। अब वो तो डिपेंड करता है ना कि एग्जामिनर की भाषा क्या है, लेकिन वो एक ही आपका, यानी लैंड मास को अलग करेगा, स्थल भाग को अलग करेगा और पानी वाले हिस्सों को जोड़ेगा। तो इस स्टेट का नाम क्या आपका? इस जल संधि को कहते हैं विद्यार्थी हमारा क्या? डेविस। इस जल संधि को विद्यार्थियों क्या कहते हैं आपका? डेविस स्टेट, डेविस जल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो किसे जोड़ता है आपका? तो ये जोड़ता है विद्यार्थियों, इधर तो हमारा क्या है? बैफिन की खाड़ी। यहां क्या विद्यार्थी आपका? बैफिन खाड़ी। और इधर क्या आपका? लैब्राडोर सी, लैब्राडोर विद्यार्थियों सागर, इन दोनों को जोड़ेगा। समझो, डेविस स्ट्रेट किसे जोड़ेगा आपका? बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ेगा। डेविस स्ट्रेट वर्ल्ड की सबसे, इसकी विड्थ सबसे ज्यादा है, ये डेविस स्ट्रेट है ना, जो इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा, सबसे लंबी तो वायरिंग है और सबसे चौड़ी कौन सी है? डेविस स्ट्रेट, ठीक है ना। डेविस स्ट्रेट सबसे चौड़ी जो आपका, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पर क्लियर हो रहा है? देखो मैंने वैसे विद्यार्थी आप लोगों को पढ़ा रखा पहले भी, बिल्कुल विड्थ में सबसे बड़ी होगी आपकी, ठीक है, इतना तो याद रखिएगा। बाकी कंट्रियां तो नहीं बताऊंगा आपको, यहां पर विद्यार्थियों आपको याद है कौन सा? क्यूबा, समझो। इधर विद्यार्थी आप लोगों को मैक्सिको दिख जाता है, मैक्सिको के बारे में सब कुछ बताया पहले भी। इधर आपको सारगोसो सागर, इधर आपको ब्रह्मुंडा ट्रायंगल, ये सब दिख जाते हैं। क्यों? आपके कौन से लोकेशन कहां पर है, कौन से सी के अंदर है, ये हमने पढ़ा हुआ पहले, ठीक है ना। ब्रह्मुंडा ट्रायंगल जहां पर ग्रेविटी फोर्स सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों जो आपका मिस्ट्री बनी हुई है, यानी समुद्री जहाजों की अगर कैजुअलिटी सबसे ज्यादा होती है तो इसी एरिया में, और क्योंकि यहां पर ग्रेविटी फोर्स सबसे ज्यादा है, क्यों है, किस वजह से है? नहीं पता, लेकिन ये एरिया जो ब्रह्मुंडा ट्रायंगल वाला एरिया है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक, ये पूरा एरिया नॉर्थ अटलांटिक ओशन का, नीचे तो कैरिबियन सी का है, ठीक है ना। चलेगा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो क्लियर हुआ?
नहीं हुआ तो आप बाद में देख लीजिएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में आप लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हो, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में हम लोग प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट करते हैं। कब आपका? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। क्या मनाया जाता है विद्यार्थियों? 2 फरवरी को भारत में रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी को ही भारत में रोजगार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। रक्षा मंत्रालय ने 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमानों के निर्माण का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो किस कंपनी को दिया? द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर टू विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज। तो ये दिया गया किसे? हेल को ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 1940 में बनता है, बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय है। हेल, हेल की स्थापना कब होती है? 1940 में होती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में बनता है ना, चलेगा। अब चलते हैं हम लोग कहां पर? वन लाइनर की ओर, जो कि हमारा तीसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव नए सवाल, दूसरा पड़ाव एग्जाम सामने है उसे हम लोग देख रहे, तीसरा पड़ाव विद्यार्थियों सारी चीजों को देखने के बाद एग्जाम हॉल में अगर जो कंफ्यूजन होती है ना कि ए है कि बी है सी है कि डी है विद्यार्थियों, उससे बचने के लिए तो हमारा विद्यार्थी, इस वजह से मैंने आपको ये सवाल रखे रहते हैं वन लाइनर, कि जहां पर अगर दो ऑप्शन भी एक जैसे देखेंगे तो वहां गलतियां शुरू हो जाती है, तो उन गलतियों से बचने के लिए वो कम से कम गलतियां हो, इस वजह से मैं आपको वन लाइनर भी कराता हूं, ठीक है। तो पहला सवाल देखिएगा, ऑन विच डेट नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी हमारा 11 मई को मनाया जाता है, यानी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह दीजिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अरब वर्ल्ड का नोबेल कहा जाने वाला पुरस्कार, समझो विद्यार्थियों अभी आगे आएगा, शेख जायद ट्रॉफी करके होता है आपका, ठीक है ना, वो भी कम द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू वन अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज, तो ये मिला है किसे विद्यार्थी आपका? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व बैंक लॉन्च चैटबॉट ईवा करके, समझिए चैटबॉट विद्यार्थी आप देखते होंगे ना, जब भी आप लोग किसी भी ब्राउजर पर विद्यार्थियों किसी साइट को ओपन करें या किसी विद्यार्थी आप वेबसाइट को ओपन करें तो वहां पर साइट से विद्यार्थी आपको बाय डिफॉल्ट कुछ कोई मैसेज रिप्लाई में आते तो किसे? चैटबॉट से। तो चैटबॉट विद्यार्थियों ईवा करके जो लॉन्च किया गया, तो मुझे जहां तक याद है एचडीएफसी ने लॉन्च किया था, ये एचडीएफसी ने बिल्कुल देखिएगा एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक है ना, चलेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो वर्तमान समय पर संयुक्त राष्ट्र के तो कौन है विद्यार्थियों? एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस विद्यार्थियों जो क्या है वर्तमान समय पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र के क्या विद्यार्थियों? महासचिव हैं। और यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते विद्यार्थियों जो यूएन बना था आपका, ये ब्रेटन वुड एग्रीमेंट 1944 और उसके बाद आपका 24 अक्टूबर 1945 में बना, और कल पूछा भी तो गया था कि 24 अक्टूबर को या यूएन डे हम लोग कब मनाते हैं, पूछा गया था ना। तो ये तो सामान्य सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में विद्यार्थी हमारे पूछे जाते हैं, ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते, ये तो ऐसे सवाल है कि जो आपको गलत करना ही नहीं है क्योंकि आपके साथ जो कंपिटिटर बैठा है उसे सब आता है, क्योंकि देखिएगा आप अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं तो हम तो करते हैं ना विद्यार्थी, हम तो शेयर करते हैं, तो देखिएगा क्योंकि कंपटीशन अगर बढ़ा है विद्यार्थी, और देखिए पहले क्या था कि कंपटीशन का लेवल थोड़ा कम इसलिए भी होता था, बच्चा रिवीजन नहीं करता तो अगर 100 नंबर का पेपर है तो वो 80-82 बार अटक जाता था, इसलिए क्योंकि रिवीजन करके नहीं जाता, तो सबके साथ वही स्थिति थी। लेकिन अब कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया कि देखिएगा अगर 100 नंबर का पेपर है ना तो बच्चे 95 और 90
8 तक विद्यार्थी स्कोर करके आते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव में विद्यार्थियों 95 और 98 करना बहुत बड़ी। उत्तराखंड के अंदर लगभग हर विद्यार्थियों दूसरा एग्जाम जनरल कैटेगरी अगर लड़कों की अगर बात करें तो 93-95 के बीच में रहता है। एक तो पेपर क्या रहता है विद्यार्थियों, अब पेपर क्या आसान क्या टफ होगा जनरल, अगर आपका सिलेबस में हिंदी दिया गया, आपके सिलेबस में स्टेट की जीएस दी गई और नेशनल लेवल की जीएस दी गई, अब बच्चा अगर पढ़ के आए तो उसमें क्या विद्यार्थी आपका आसान या क्या टफ होगा, उसमें से 70 सवाल तो आपके पिछले पेपरों में से रिविजन हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई पेपर हुआ उसका कॉपी कर दिया, 70 सवाल तो वही कॉपी हो जाते हैं, 30 सवाल भी विद्यार्थी आसान से रखे रहते हो बच्चे को आ जाते हैं, तो अपने आप में 90-95 गया। हाँ, जिसने एक एक छोटी से भी गलती करी ना, छोटी गलती मतलब 5 सवाल थोड़ा सा डिफरेंट लेवल के पूछ दिए जाते हैं और उसमें अगर जबरदस्ती कर दिया तो वो कहां पहुंच जाएगा देख लीजिएगा, उन 5 को अगर गलत करके आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल एसिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वेज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नेशनल एसिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो ये चुने गए विद्यार्थी कौन, पदम कुमार नायर, ठीक है ना, पदम कुमार नायर को चुना गया, पदम कुमार नायर को। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, इस दिन फ्लोरेंस नाइटेंगल के सम्मान में फ्लोरेंस विद्यार्थी नाइटेंगल अवार्ड भी दिया जाता है नर्सेस को, तो देखिएगा नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी इंटरनेशनल नर्स दिवस के रूप में, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिएगा हाल ही में विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में 28 साल बाद विद्यार्थियों एक पारसी प्लेयर को चुना गया था, जब न्यूजीलैंड और भारत के बीच में वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट का फाइनल मैच खेला गया था, भारत उसमें हार गया, न्यूजीलैंड विदर रहा, ठीक है, तो वहां पर विद्यार्थियों किसे, तो अर्जुन विद्यार्थियों, अर्जुन नागवासवाला, अर्जुन नागवासवाला को विद्यार्थियों 28 साल बाद कोई पर्शियन प्लेयर को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। क्वेश्चन जी20 की जितनी भी बैठक हो रही ना आपकी, तो ये सभी बैठकें आप लोग देख रहे हो G20 की कहां पर हो रही है, तो ये विद्यार्थी आपका इटली के अंदर, G20 की जितनी भी बैठकें होगी आपका, चाहे वो गवर्नर लेवल की हो चाहे विद्यार्थी हो विदेश मंत्री लेवल की हो, तो उसे इटली होस्ट कर रहा है कब, 2021 में, जबकि 2022 में इंडोनेशिया और इंडिया 2023 में होस्ट करेगा। G7 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, अभी देखेगा अफगानिस्तान के मामले में, समझ विद्यार्थियों, G7 की जो अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है 2021 में, क्योंकि अभी रिसेंटली बोरिस जॉनसन ने विद्यार्थियों एक आपातकालीन बैठक बुलाई, किसकी, G7 की, तो जिसमें G7 के जितने मेंबर कंट्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें टोटल मेंबर कितने आपके साथ है, कभी 8 हुआ करते थे लेकिन 2014 में रशिया यहां से बाहर हो गया, 2014 में विद्यार्थियों रशिया यहां से बाहर हो गया क्योंकि जो G7 के प्रोटोकॉल थे उसे रशिया विद्यार्थियों फॉलो नहीं कर रहा था, तो इसे 2014 में उसे बाहर कर दिया गया। इससे ये डेवलपिंग जो कंट्री है उनका समूह है, तो इसमें विद्यार्थियों आपको अमेरिका दिख जाएगा, इसमें आपको जापान दिख जाएगा, इसमें कनाडा दिख जाएगा, आपको इटली दिख जाएगा, फ्रांस है, यूके है, हो गए पूरे आपके, पूरे हो गए ना 7, तो 7 देश इसमें शामिल है, और 2021 में इसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिएगा जो होस्ट कर रहा है, सॉरी इसे होस्ट कर रहा है, तो यूनाइटेड किंगडम और यूके विद्यार्थियों, जो प्रेसिडेंट है अभी वर्तमान समय पर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अभी यह आपातकालीन बैठक बुलाई है अफगानिस्तान के मामले में, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर वर्तमान समय पर लगभग 5 से 6 हजार अमेरिकी सैनिक है एयरपोर्ट पर, उसमें 1000 से ज्यादा विद्यार्थी आपके ब्रिटिश सैनिक भी वहां पर मौजूद है और अलग अलग स्थानों पर नाटो सैनिक भी वहां पर शामिल है, नाटो सेना भी विद्यार्थियों वहां पर शामिल है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब आप कहते होंगे विद्यार्थी जब इतने बड़े लेवल पर विश्व की सेनाएं वहां पर शामिल है तो तालिबान को रोका क्यों नहीं जाता, अब देखिए विद्यार्थियों तालिबान को रोकना या विद्यार्थियों अफगानिस्तान की जो सरकार थी पहली उसके साथ क्या एग्रीमेंट था, तो ये सारी चीजों को समझना विद्यार्थियों अभी अपने, क्योंकि हमें जो इमेज दिखाई जा रही है, जो छवि दिखाई जा रही है, शायद वो कुछ और लेवल की दिखाई जा रही है, ठीक है ना। देखो हमारे पास तो जो न्यूज चैनल के माध्यम से जो खबरें आती है उसे हम लोग देखते हैं,
असल में ग्राउंड पे क्या है, क्योंकि यही चीज अगर आप कभी पाकिस्तानी न्यूज चैनल को देखोगे तो वहां पर खबरें आएगी, भारत के आतंकियों ने ये यहां पर ये ब्लास्ट कर दिया, या यहां पर विद्यार्थियों सीज फायर का उल्लंघन किया, इस तरह की खबरें दी जाती है वहां पर। असल में कौन कर रहा है, क्या कर रहा है विद्यार्थियों, कई बार क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर इतिहास को इतिहास की तरह ही पेश किया जाएगा तो हीरो बन जाते हैं, लेकिन विद्यार्थियों अगर इतिहास को थोड़ा सा भी छेड़छाड़ कर दिया ना, तो उसी विद्यार्थी हम लोग जिन्हें कभी भगवान मानते हैं, धीरे धीरे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, देखो अगर शुरुआत होगी ना छेड़छाड़ की, तो आके आने वाले 8, 10, 15, 20 साल में जो एक दिन हीरो थे, जो विद्यार्थी उस देश में भगवान की तरह पूजे जाते हैं, हो सकता है वो विलन बन जाए। और आज के समय पर यही हो रहा है, आज के समय पर यही होता है विद्यार्थियों, अपने बहुत सारे फायदों के लिए किसी को विलन बनाने के लिए विद्यार्थियों, कोई देरी नहीं की जा रही है, ठीक है चलेगा। किस राज्य सरकार ने मामलों की वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री सहकारी योजना शुरू करी थी, COVID-19 विद्यार्थियों मामलों में जो वृद्धि हुई थी, तो उसके बाद राज्य के सीएम के द्वारा सहकारी योजना शुरू की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी, तो ये कौन सा राज्य था हमारा, तो ये राज्य था मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, काफी कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया, बहुत सारे कंटेंट आपको मिल रहे हैं, और मैं विद्यार्थियों ये चीज कहते हुए आप लोगों को कि कल का जो पेपर मैंने देखा, और हमारे स्टूडेंट जो देखे, आप बहुत सारे विद्यार्थी है जो पिछले काफी समय से तैयारी कर रहे थे और बहुत अच्छा स्कोर करके, मतलब उनका नॉन टेक्निकल के एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर अगर हो रहा है। अब कुछ सवाल थे, जैसे विद्यार्थियों यहां पर पूछा गया था इन शासकों के क्रम वाइज लिखिएगा, तो वो चीजें मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, क्योंकि देखो आपके मैं टेक्निकल के हिसाब से विद्यार्थियों को बता रहा हूं, क्योंकि नॉन टेक्निकल के हिसाब से अगर चलेंगे तो समय देना पड़ेगा, और शायद देखिए जितना आपने पढ़ा था उतने में ही आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ चुके। जीएस में अगर आपका 50-60 नंबर का अगर जीएस आया है, 50 नंबर का, ठीक है, तो उसमें अगर आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है, वही हाल विद्यार्थी हमारे एसएससी जेई में था, कि जो विद्यार्थी कभी 10-15 पर नहीं थे वो 35 और 40-45 तक करके आए नॉन टेक्निकल में, इतना स्कोर करके आए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना फिर, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थी आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे, और आगे विद्यार्थियों हम लोग यूपीसीएल एई वाले जो विद्यार्थी है, कल विद्यार्थी उनके लिए क्लास रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य, उसके लिए मैं अपडेट कर दूंगा आपको, और आप लोग शेड्यूल पर भी जाके देखिएगा, क्योंकि यूपीसीएल एई जो हमारे असिस्टेंट इंजीनियर का 29 अगस्त को एग्जाम है ना, तो उनके लिए उत्तराखंड की करंट अफेयर, उनके लिए विद्यार्थी आपका जीएस जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन, तो उसे कवर करेंगे 2-3 घंटे में कल, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थी आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग 3 बजे एग्जाम 2021 में, तब तक के लिए धन्यवाद।